सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जनरल इंटरेस्ट एंड वैल्यू क्रिएशन। इस चीज को तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने, हमारे व्यूवर्स ने समझ लिया होगा। लेकिन एक जो सवाल एंटरप्रेन्योर्स के लिए आता है वो ये कि उन्हें समझ ही नहीं पड़ता कई बार कि उनके सामने कोई रेफरल या लीड है तो उससे सवाल क्या पूछे, मतलब व्हाट टू आस्क हिम, वो रिलेशंस कैसे मेंटेन करें। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, आपने इमोशंस की बात जी बहुत जरूरी है, तो क्या पहले मैं चाहूंगी आप ही इसे बताएं कि किस तरह से वो बातचीत, उनके सवाल क्या होने चाहिए उस वक्त। ये बिल्कुल बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और एंटरप्रेन्योर्स के काम आ सकता है मुझे लगता है। एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली, ये नेटवर्किंग के वर्ल्ड का आई थिंक आपने सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। इस सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूंगा, फिर जी एक मिनट में जी जवाब दूंगा। नेटवर्किंग में हम क्या करें कि जिस टाइम हमको नेटवर्किंग करना चाहिए उस टाइम हम सेलिंग शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम पारितोष पाठक है, मैं ये करता हूं, आप लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे, अच्छा नहीं लेना चाहेंगे, मैं दूसरे के पास जा रहा हूं। ये नेटवर्किंग, ये सेलिंग का टाइम नहीं है, ये नेटवर्किंग का टाइम है। और जिस टाइम हमको लगता है कि सामने वाला सेल करना चाह रहा है तो हम डर के सेलिंग बंद कर देते हैं, फिर हम रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, हमको पता होना बहुत जरूरी है कि नेटवर्किंग के टाइम पे नेटवर्किंग करनी है और सेलिंग के टाइम पे सेलिंग करनी है। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। और जब सेलिंग का टाइम आता है तब हमें ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चैलेंजेस के बारे में हमसे बात करें। अगर कोई मेरे को कहता भी है कि परितोष मुझे अपनी आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताइए, तो मैं ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताता हूं, मैं उनसे पूछना शुरू करता हूं कि उनकी दुनिया में नेटवर्किंग का क्या चैलेंज है, क्या वो रेफरल्स पे फॉलोअप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो किसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के पार्ट हैं, क्या वो वहां से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनकी टीम को फॉलोअप के सिस्टम्स मालूम है, उनको स्किल में कहां स्ट्रगल आ रही है, उनको सिस्टम में कहां स्ट्रगल आ रही है। तो बेचने से पहले लोगों से उनका दर्द शेयर करवाना बहुत जरूरी है। अगर लोगों ने अपना दर्द आपसे नहीं बताया है, अपनी तकलीफ आपसे नहीं बताई है, तो जो आप दवा उनको देंगे उस दर्द की, उन्हें भरोसा नहीं होगा कि ये उसी दर्द की दवा है। उनको लगेगा कि आप अपनी दवाई उनको बेच रहे हैं, उनका दर्द नहीं सॉल्व कर रहे हैं। सो जिस टाइम कोई आपको बोले कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में मुझे बताइए, उस टाइम नहीं बताना है, लोगों से उनकी प्रॉब्लम समझनी है। और ये हमारा फर्ज भी है कि हम औरों की प्रॉब्लम अच्छे से समझें बिफोर वी स्टार्ट गिविंग अ सोल्यूशन टू देम। वी कांट अज्यूम दैट माई सोल्यूशन इज गोइंग टू वर्क फॉर एवरीवन।